हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन 3/4 ऑफ अ कलेक्शन ऑफ। ठीक है, 3/4 दिए गए हैं, उसमें आप लोगों को जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये है 12 टॉफी, बी है क्वेश्चन नंबर 20 टॉफी, क्वेश्चन नंबर सी 32 टॉफी और क्वेश्चन नंबर डी 80 टॉफी। ठीक है, इसको 3/4 से आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 12 टॉफी। ठीक है, 12 टॉफी को क्या 3/4 से क्या करना है, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3/4 ऑफ 12 टॉफी, 3/4 ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है 12, ठीक है 3/4 इनटू 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, आंसर आएगा 9 टॉफी। वैसे 20, ठीक है 3/4 ऑफ 20, तो 3/4 इंटू 20, 5 जा 20, 3 इंटू 5 हो जाएगा आंसर 15। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को 32 का आंसर निकालना है और 80 का आंसर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोगों को इसमें से बताना है न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। ठीक है, जो ये होता है मतलब 12 क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है डिनोमिनेटर, तो लिखना है इस तरह आप लोगों को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, 12 है न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है न्यूमरेटर और ये हो गया आप लोगों का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, वैसे ही आप लोगों को ये लिखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच। ठीक है, ये आप लोगों का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 7, डिनोमिनेटर 35, तो आंसर बनेगा 7 / 35। ठीक है, ओके, थैंक यू।